नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ऊपर गुरु पे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है उन लोगों के लिए जो कि राशन कार्ड अप्लाई का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, वो सभी लोग जो कि यहाँ पे राशन कार्ड अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी कारण पहले, या फिर वो लोग वेट कर रहे थे कि राशन कार्ड अप्लाई दोबारा कब होगा, दोस्तों उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर सामने आ गई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बार फिर से राशन कार्ड अप्लाई के लिए दोबारा सर्विस ऑन कर दिया है और दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं, सिर्फ कुछ स्टेप में ही। क्या है पूरा का पूरा जो स्टेप, क्या क्या आपका चीज़ें लगेंगी उसमें, वो टोटल चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सब कुछ, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों यहाँ बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रा सा आप स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं, यहाँ पे नए राशन कार्ड के लिए अब ऑनलाइन आवेदन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि कोरोना काल में राशन कार्ड के लिए लाभुकों को अब RTPCS काउंटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पहले जब ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाना पड़ता था, तब ऑनलाइन जब नहीं सुविधा उपलब्ध थी, तब राशन कार्ड के लिए RTPS ऑफिस आपको जाना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे बिल्कुल ही आसान हो गया है। अब जाके आप सीधा अपने घर बैठे सिर्फ 6 स्टेप में अपने फ़ोन से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किए। नए राशन कार्ड के लिए लाभुकों को विभाग के द्वारा जारी वेबसाइट पर, दोस्तों यहाँ पे आप सुनिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है, कि विभाग के द्वारा जारी वेबसाइट, यानी कि विभाग ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो ज़रा सा भी स्किप ना करिएगा। टोटल चीज़ें यहाँ पे मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए वेबसाइट पर 6 स्टेप में मांगी गई सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। यानी कि आपको 6 स्टेप में सूचना मांगेगा। पहले एक स्टेप, एक चीज़, एक फॉर्म भरना होगा, फिर छः, यहाँ पे लगातार 6 फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के बाद मोबाइल पर आएगा मैसेज। आप वो जो 6 स्टेप होगा, उस 6 स्टेप में एक स्टेप वो भी होगा जिसमें कि आपको आपका मोबाइल नंबर देना होगा, और जब 6 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा जिसमें कि आपका जो कंफर्मेशन है वो बताया जाएगा। इसमें लिखा है कि इसमें लाभुक का रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, आवेदन का डिटेल, परिवार में सदस्यों की कुल संख्या, मांगे गए कागजात अपलोड करने के बाद सबमिट करना होगा। यानी कि ये जो जो 6 स्टेप होंगे, इसमें ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। लॉगिन आवेदन पर परिवार के डिटेल्स, परिवार में कितने सदस्य हैं, कुल संख्या, और भी कुछ कागजात मांगे जाएंगे। आधार कार्ड मांगा जा सकता है, और भी पैन कार्ड मांगा जा सकता है। दोस्तों, ये आपको टोटल चीज़ें अभी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर इसका SMS आएगा, और जिससे आवेदन आपूर्ति विभाग के साइट पर चला जाएगा। जैसे, और जो ये जो उपलब्ध कराते हैं राशन कार्ड, इनके आवेदन का जो आपूर्ति विभाग, या आपूर्ति बिहार में जो आपूर्ति विभाग है, वो आपको राशन कार्ड उपलब्ध कराता है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये मैसेज जो है ये उनके पास चला जाएगा। इसके बाद, विहित प्रक्रिया के बाद लाभुकों को नया राशन कार्ड संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि इसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा समय के बाद आपका जो राशन कार्ड है वो अनुमंडल पदाधिकारी के पास दोबारा पहुंच जाने के बाद आपका दोबारा राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, किन लोगों को नहीं मिल सकेगी आपका ये जो राशन कार्ड है, इसका लाभ किन लोगों को नहीं मिल सकेगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन लोगों को नहीं मिल सकेगा राशन कार्ड। नया राशन कार्ड सिर्फ लाभुकों को, मतलब सिर्फ पात्र लाभुकों को ही बनेगा, वैसे लाभुकों को नहीं बनेगा जो आयकर अदा करते हैं। यानी कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, उन लोगों का राशन कार्ड यहाँ पे नहीं बन सकेगा। इसके अलावा व्यवसायिक कर, यानी कि इसके अलावा जो बिजनेस टैक्स भरते हैं, उनके लिए भी नहीं बनेगा। या फिर यहाँ पे नियम और शर्तें हैं, जो यहाँ पे ये जो उपलब्ध कराते हैं राशन कार्ड, उन्होंने अपने कुछ नियम और शर्तें रखी हैं, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 कमरे या उससे अधिक का पक्का मकान अगर है आपका, और कंक्रीट छतियों के मकान वाली गृहस्थी,
जो अगर है आपकी, तो आपका भी राशन कार्ड नहीं बना जाएगा, आप भी एक अमीर कैटेगरी में आप आ चुके हैं सरकार के हिसाब से, तो आपका भी राशन कार्ड यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। और परिवार के किसी सदस्य की मासिक 20,000 रुपये से अधिक आय है, अगर आपके किसी परिवार में किसी सदस्य है जो कि 20,000 से अधिक कमाते हैं, तो आपका राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा। या फिर 2 पहिया वाहन है आपके घर में तो भी नहीं, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन उपलब्ध है तो भी नहीं, 4 पहिया वाहन है तो पक्का नहीं, और इससे इनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लें। अगर आपका घर में 3 रूम से ज़्यादा का मकान है तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, और आपके घर में ये गाड़ी है या फिर 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे आपूर्ति विभाग के वेबसाइट पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन। लाभुकों को अब RTPCS का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, आपको किसी भी काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं, पहले ही सब कुछ बंद है क्योंकि ये जो कोरोना का जो महामारी है इसके कारण सब कुछ बंद है, लेकिन अब ऑनलाइन अपने घर पे अपने फोन से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जिले में 4,100,000 10 लाख 10 लाख करोड़, लगभग 4 करोड़ के लाभुकों की संख्या, यानी कि अगर आप इन जिन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा उनको हटा दे, उसके बाद भी 4 करोड़ से ऊपर संख्या है, 4,45,00,000 से ऊपर संख्या है यहाँ पे जिनको कि इसका लाभ मिलने वाला है। उसके बाद अब पात्र लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए विभाग के द्वारा वेबसाइट जारी किया गया है। कोरोना काल में लाभुकों को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए RTPCR जाने की कोई जरूरत नहीं, वो घर बैठे नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RN चौधरी DSO, जो कि राशन कार्ड अप्लाई के लिए ऑनलाइन ऑफिस में बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बता दी गई है कि राशन कार्ड आपको कैसे मिल सकता है, और ये जो वेबसाइट है ये 6 स्टेप में ऑनलाइन आवेदन ये उसी वेबसाइट में मिलेगा दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेबसाइट यहाँ पे इसके लिए वेबसाइट पर 6 स्टेप में मांगे गए, और यहाँ पे वेबसाइट जो है वो चालू कर दिया गया दोस्तों। ये जो न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग देख रहे हैं ये आज का है, और आज का कटिंग होने के कारण अभी तक बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन ये जो जारी होगा वो कल से होगा, और जैसे ही जारी होगा, अभी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाया है कि ये जो वेबसाइट है जिसपे ऑनलाइन आवेदन हो रहा है वो कब होगा। दोस्तों, जैसे ही कल जारी होगा जो वेबसाइट का लिंक है वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आकर आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा आपसे इन सब टॉपिक से जुड़े हुए सारा का सारा अपडेट यहाँ पे आता रहता है, और जैसे ही इससे संबंधित कोई भी नया अपडेट आता है सीधा आपके फोन पे एक बेल बजेगी, नीचे सब्सक्राइब लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको बेल के साथ दबा के ऑन कर लीजिए, आपको आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके फोन पे मिल जाएगा, और आगे का पूरा प्रोसेस आपको टोटल A to Z बता दिया जाएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जैसे ही कोई भी नया अपडेट आता है बिहार सरकार की तरफ से, तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।